नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके न्यूज़ पॉइंट पर और मैं हूं आपकी मेज़बान प्रियंका चौधरी। अभी एक अपडेट के साथ आप सबके समक्ष मैं हाजिर हूं और अपडेट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां पर डेवलपमेंट की बात की जाती है, जहां पर एक तरफ हमें वादे दिखाए जा रहे हैं और वादे किए जा रहे हैं कि आप लोगों की बेहतरी के लिए बहुत से कार्य किए जाएंगे, लेकिन 15 साल हो चुके हैं लोगों की बेहतरी जिस कार्य में छुपी है अभी तक वो कार्य पूरा ही नहीं किया गया। जी हाँ, बिल्कुल, मैं कुपवाड़ा के कुनान पोशावरी जो एक ब्रिज है उसकी बात कर रही हूँ, जिसका निर्माण जो है 15 सालों से अटका हुआ है। 15 सालों से ये निर्माण नहीं हुआ, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे कुछ लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की बात हो। लोगों को वहाँ सिर्फ सफरिंग हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो कुपवाड़ा का कुनान पोशावरी जो ब्रिज है ये 15 सालों से बन नहीं पाया है, और अधिकारियों के खिलाफ कहीं ना कहीं अपने इलाके के पुल को पूरा ना किए जाने के लिए लोगों में भी भारी गुस्सा है। लोग हमेशा से यही कहते आए हैं कि हम अगर कोई भी अपने नुमाइंदे चुनते हैं या फिर हम कई बार प्रशासन के आगे गुहार लगाते हैं ताकि हमारी बेटरमेंट हो, लेकिन जब हमारी बेटरमेंट ही नहीं है, जब हमारी डेवलपमेंट ही नहीं है, तो किस तरीके के वादे जो हैं हमसे किए जाते हैं। और हमें बरगलाने लोगों द्वारा ये कहा गया है कि उन्हें बरगलाने का आरोप जो है वो भी वो लगा रहे हैं, जिससे निवासियों को काफ़ी ज़्यादा असुविधा भी हुई है। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये लोगों को कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से कनेक्ट जो है वो करता है और दूसरे गांव से भी कनेक्ट जो है वो करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल को बनाने के लिए 15 साल पहले टेंडर जारी कर दिया गया था, एवरीथिंग हैज़ बीन डन 15 इयर्स अगो, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो ये है कि काम अधूरा है, अधर में लटका हुआ है। उन्होंने कहा है कि पिछले कई सालों से हर एक डिपार्टमेंट जो इससे एसोसिएट है उनके दरवाजे खटखटाए गए हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ है। किसी भी नुमाइंदे ने आके, किसी भी सरकारी मुलाजिम ने आके उनकी सुध जो है वो नहीं है, और कहीं ना कहीं उनके अनुसार इस पुल के अभाव की वजह से उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। यानी कि अगर वो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहे हैं तो इस पुल की वजह से वो शॉर्टर ड्यूरेशन में वो कवर कर लेंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ये पुल का निर्माण नहीं किया गया तो उन्हें लंबा रास्ता तय करके, जिसमें पेट्रोल की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, और ज़्यादा तौर पर एक खतरा जो है कहीं ना कहीं उनके लिए बनता हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम कुछ गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या फिर डेली रूटीन की मैटाडोज या कोई भी व्हीकल लेते हैं तो उसका भी शुल्क इतना ज़्यादा है कि हमारी जेबें अफोर्ड जो है वो नहीं कर पाती हैं। एक व्यक्ति ने तो ये भी कहा है कि कई फल उत्पादकों ने फल बेचने का काम है वो भी छोड़ दिया है। बिल्कुल, कुछ लोगों के व्यवसाय जुड़े हुए थे और ये पुल पे कनेक्ट करके, इस पुल के जरिए ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते थे, और जब पुल का निर्माण ही नहीं हुआ तो इन लोगों को ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ने लगा कि वो घूमकर दूसरा रास्ता तय करके जाएं, और इन्होंने अपने व्यवसाय को ही क्विट कर दिया, छोड़ दिया। और अब उन सभी का यही कहना है कि बार बार कई गाँव के बीच की दूरी को कम करने के लिए इस पुल के निर्माण की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। बच्चों की पढ़ाई जो है सफ़र कर रही है, लोगों का व्यवसाय सफ़र कर रहा है, तो कृपया इस पर ज़रूर ध्यान दिया जाए। और प्रशासन से भी हमारी यही अपील रहेगी कि लोगों की इस सुविधा को, 15 वर्ष कोई छोटी अवधि नहीं होती, छोटा समय नहीं होता, लगभग बहुत से लोग जो हैं इसी आस में इस दुनिया से रुखसत हो गए कि शायद इस पुल का निर्माण होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। मैं यही अपील करना चाहूँगी प्रशासन से भी कि जल्द से जल्द कुपवाड़ा के कुनान पोशावरी ब्रिज का निर्माण किया जाए ताकि लोगों को जो है राहत है वो ज़रूर दी जाए। फिलहाल अभी के इस अपडेट में इतना ही, और ज़्यादा अपडेट के लिए देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट, और अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।